तो गाइस ये है दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट, दिखाता हूँ आपको यहाँ का सीन। चांदनी चौक का जो मार्केट है दोस्तों, ये बेसिकली कपड़ों के लिए और जूते चप्पलों के लिए फेमस है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कपड़े और कम से कम रेट में, यानी कि जैसे 150, 200, 250 और 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे लोवर जीन्स, मिल जाएंगे लेडीज़ जीन्स, मिल जाएंगे प्लाजो, मिल जाएंगे और जूते मिल जाएंगे। मतलब आपको अच्छे से अच्छे रेट में और अच्छी क्वालिटी के जो आइटम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में सलवार सूट लेडीज़ के लिए लगे हुए हैं, ब्रांडेड भी आपको यहाँ पर कपड़े मिल जाएंगे और लोकल भी कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन जो भी आपको मिलेंगे एकदम बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। देखिए बैग यहाँ पर लगे हुए हैं और ये आप साइड में देख सकते हैं, ये भी लेडीज़ के आइटम ही हैं। और ये जूतों की सेल, जूतों की तो भरमार ही है यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी थोड़ा सा और चलने पर, जूतों की सेल दिख रही है बिल्कुल धड़ाधड़। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, ये जो सारे जूते आपको दिख रहे हैं एक तरफ से कोई भी आप ले लो सब 250 रुपये की हैं। और साबान भाई भी एक जूते लेने के चक्कर में है, देख रहे हैं कि कौन सा लें कौन सा लें। अपना नंबर देखो, अपना साइज़ देखो, जूते का नंबर और साइज़ देखो और ले जाओ। सारे के सारे 250 के हैं, किसी भी ब्रांड का हो सब 250 रुपये। ढाई सौ हैं सारे, 250 के हैं। कितने का? 250 का है। लोअर लेना है। 150, 150, 150। और अब मैं आपको थोड़ा सा इस साइड में ले चलता हूँ जहाँ पर आपको दिखेंगे जीन्स, 300-300 रुपये वाली जीन्स, 300 रुपये, 350 रुपये वाली जीन्स, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की मस्त कैजुअल जीन्स भी हैं। और मतलब कैजुअल है, जीन्स तो कैजुअल ही होती है। फॉर्मल पैंट भी देख लीजिए टंगे हुए हैं। और इधर क्या है, लेडीज़ के लिए कुर्ती हैं, प्लाजो हैं, ये सब टंगे हुए हैं। और मस्त अभी इस साइड में भीड़ थोड़ी सी कम है और ये बाएं साइड में आप देख सकते हैं। और ये एक प्रेमी युगल भी जा रहे हैं, ये क्या बच्चों के लिए, अच्छा प्रेमी युगल जाते जा रहे हैं। और ये क्या, ये भी फॉर्मल पैंट है, ओके। और ये भाई साहब ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बैग लगे हुए हैं, बैग सारे 300-400 के आसपास है, एडिडास का ब्रांडेड बैग। और ये भी फॉर्मल पैंट और जीन्स और चड्ढा है, चड्ढा। और ये बच्चों के कपड़े, फ्रॉक छोटे बच्चियों के लिए। और इधर तो गाइस हम लोग चांदनी चौक मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का इंटीग्रेट ये सामने दिख रहा है, कॉटन मार्केट जामा मस्जिद में आपका स्वागत है। मतलब बगल में कॉटन मार्केट है और उसके बगल में जामा मस्जिद है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है कॉटन मार्केट जहाँ पर कंबल, गदाई, रज्जा नहीं रजाई, गद्दा और सोफे ये सब मिलते हैं। यहाँ पे अभी भीड़ कम है क्योंकि संडे की वजह से थोड़ा सा शायद मार्केट डाउन है। दिल्ली में संडे को मतलब आंशिक लॉकडाउन रहता है ना, जैसे यूपी में थोड़ा सा भीड़ कम है। और वो सामने हमें दिख रहा है जामा मस्जिद, खुला हुआ है जामा मस्जिद तो, क्योंकि वहाँ पर लोग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। और साबान भाई अपने लिए जूते, जूते ले लो भाई, जूते ले लो, नहीं इन्होंने अपने लिए ख़रीदा तो बेचेंगे क्यों। अरे यार ये अंकल जी कहाँ आ गए बीच में, ये तो हट ही नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा जामा मस्जिद मार्केट, पीछे कॉटन मार्केट था और ये है जामा मस्जिद मार्केट। जामा मस्जिद मार्केट में भी आपको अच्छे अच्छे आइटम मिल जाएंगे, जैसे कि जीन्स, लोअर कपड़े और मतलब तरह तरह के आइटम लेडीज़ और जीन्स के। और 150, 200, 250 रुपये का रेट जो है वो यहाँ पर भी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग करते हैं जामा मस्जिद के अंदर एंट्री और चढ़नी है हमें सीढ़ियाँ कम से कम 40-50।
गाइज इस जामा मस्जिद को भी मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था। लाल किला से बाहर वो आते थे पांचों वक्त का नमाज पढ़ने के लिए। और ये जामा मस्जिद भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लाल रंग के संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है जो कि ईरान से लाए गए थे। मतलब सेम वही पत्थर लाल किला में भी यूज़ किए गए हैं और सेम वही पत्थर जामा मस्जिद के अंदर भी यूज़ किए गए हैं। लेकिन आप पीछे जो देख रहे होंगे मस्जिद के जो गुंबद हैं और मीनार हैं, इनमें कुछ वाइट कलर की डिजाइनिंग भी की हुई है, यानी कि सफ़ेद कलर के संगमरमर का भी यहाँ पर यूज किया गया है। तो और सबसे ख़ास मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सबसे ख़ास बात, अगर आप जामा मस्जिद में एंट्री करते हैं तो आपको अपना चप्पल या जूता जो भी है, या तो वो बाहर एक काउंटर है वहाँ पर आप जमा कर दें, या फिर मेरी तरह आप ऐसे हाथ में लेके घूमें मतलब कि चप्पल पहनकर यहाँ पर घूमना सख्त मना है। और पीछे आप देख सकते हैं ये गोल सा एक वुजू खाना बना हुआ है, यहाँ पर लोग वुजू करते हैं और वुजू करने के बाद नमाज अंदर पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर। और ये जो चारों तरफ का है ये मतलब मस्जिद का, ये भी एक क्या कह सकते हैं मस्जिद का ही मतलब खाली मैदान है। मेन मस्जिद तो वो अंदर है और यहाँ पर भी नमाज अदा होती है, जैसे कि वो अगर फुल हो गया तो लोग यहाँ पर बैठते हैं, जैसे कि जुमे की नमाज हो या फिर ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, तो ये सब पूरा फुल हो जाता है। और इसके बाहर का जो एरिया है गेट के बाहर, सड़कों पर भी लोग आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। फिलहाल कोविड की वजह से 2 सालों से उतनी भीड़ नहीं हो रही है ईद और बकरीद के मौके पर, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो फिर वैसे ही भीड़ होने लगेगी। तो जामा मस्जिद के अंदर बस इतना ही है, क्योंकि मेन जहां पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं वहां पर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, सख्त मना है। तो इसलिए अब हम बाहर चलते हैं, और बाहर जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं जामा मस्जिद मार्केट मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी ना जो आपको पूरी इंडिया में शायद कहीं ना मिले, और वो भी अच्छे से अच्छे रेट पर। फ़िलहाल जामा मस्जिद मार्केट देखने से पहले देखिए, यहाँ से आपको दिखता है लाल किला, यानी जामा मस्जिद ऊंचाई पर है तो यहाँ से आपको लाल किला बिल्कुल साफ नज़र आता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद से बाहर, गेट के बाहर, और गेट के बाहर ही आपको दिख रहा है जामा मस्जिद मार्केट। देखिए सिल्वर की यानी कि जस्ते के बर्तन, और ये लोवर, और ये यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना जिनका मैं नाम भी नहीं बता सकता, मतलब बस आप देख लीजिए और समझ लीजिए अगर आप समझ पाएँ कि क्या है ये वैसे कपड़े तो सबकी समझ में आते हैं कि भाई कपड़े कौन से हैं और किसके लिए हैं, तो वो सब तो यहाँ पर मिलते ही हैं कपड़े, और इसके अलावा कुछ अनोखी चीज़ें भी हैं। और इधर लेडीज़ आइटम है, पर्स है, और ये भाई साहब क्या जूते चप्पल है क्या है, और ये बाएं साइड में हमें क्या दिख रहा है, ये सब कपड़े ही हैं। और यहाँ का भी रेट वही है, 150, 200, 250, 400, 500 ऐसे ही हैं, मतलब ब्रांडेड लोकल सब कुछ है। मतलब अगर आप दिल्ली में आए हैं और चांदनी चौक जामा मस्जिद मार्केट नहीं घूमें तो फिर क्या घूमें यार, क्योंकि देखिए इंसान मार्केट तो हर जगह मिल जाएगा, दुकानें तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन इंसान आजकल क्या ढूंढता है कि अच्छा सामान और सस्ते रेट में, तो वो आपको मिलेगा चांदनी चौक मार्केट या फिर जामा मस्जिद मार्केट में। एक मार्केट और है सदर बाज़ार, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, अभी फ़िलहाल जामा मस्जिद मार्केट देखिए, यहाँ की रंगीनियाँ देखिए, मतलब जो चीज़ आप चाहें पहनने के लिए वो सब चीज़ आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको मुसल्ले भी मिल जाएंगे, बाएँ साइड में देखिए बैग, और ये चचा क्या दिखा रहे थे, कुर्ता पायजामा, और ये बाएँ साइड में क्या है, तो जीन्स ही लगी हुई हैं, ओके, और ये बाएं साइड में क्या है, अच्छा लेडीज़ के आइटम हैं, और ये जूते चप्पल हैं, जूते चप्पल, और ये क्या है, कुर्तियाँ लेडीज़ के लिए, और ये क्या है भाई, सूट हैं शायद, और ये बाएं साइड में, और ये धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं गेट के बाहर, जामा मस्जिद मार्केट के गेट के बाहर ये। तो भाई जामा मस्जिद जाने के लिए मैं आपको पैदल रास्ता बता देता हूँ। देखिए ये SBI का हेड ऑफिस आपको दिख रहा होगा चांदनी चौक मार्केट में, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था चांदनी चौक से लाल किला जाने के पैदल रास्ता वाले वीडियो में, ये हेड ऑफिस है SBI का, और उसके जस्ट सामने ये रोड गया हुआ है, और ये रोड सीधा आपको लेकर जाएगा जामा मस्जिद। तो इससे आप पैदल रास्ते, मतलब ये पैदल रास्ता है जामा मस्जिद जाने का, और ये चांदनी चौक का मेन रोड है जहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि अब वापसी करते हैं, टाइम भी हो रहा है, शाम भी होने वाली है, शायद रूम तक पहुँचते हमें रात हो जाए। और ये शाबान भाई जूते ले लो, इन्होंने अपने लिए जूते लिया है और लोवर लिया है,
तो अपने लिए लिया है, बेचेंगे क्यों, जूते ले लो जूते ले लो, नहीं अपने लिए लिया है अपने लिए लिया है, बेचेंगे नहीं। तो ये है गुरुद्वारा, इसके जस्ट सामने से रास्ता जो है वही गया है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर टू। गेट नंबर वन से भी, टू से भी, किसी से भी आप जा सकते हैं। तो चलते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।